आइए देखते हैं भैरचंद मजा आएगा। परिभाषा लेकर आप आ गए हिंदुत्व की, इसी वजह से सारे सवाल आपके ऊपर उठते हैं अभय दुबे जी। लेकिन धर्मवीर जी, ये जो राहुल गांधी की ओर से आज बातें कही गई हैं, उन्होंने हिंदू धर्म को अलग बताया है, हिंदुत्व को अलग बताया है, हिंदुत्व को बीजेपी और आरएसएस से जोड़ते हुए कहा है कि ये दरअसल आक्रामक है, और तमाम दूसरी बातें भी उनकी ओर से कही गई जो लगातार हम दिखा रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी, क्या मानते हैं आप कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सही है? चित्रा जी, धर्म निरपेक्ष देश है भारत। बाबा साहब के संविधान में न इस तरीके की कोई भाषा का स्थान नहीं है जो आज राहुल गांधी जी ने दी है। और हिंदुत्व और हिंदू, ये नेता जब चुनाव आते हैं तब तब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और ये लोगों को बांटने की बात करेंगे। राहुल गांधी जी को हिंदुत्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ये जो संबित पात्रा जी बैठे हैं, जरा इनकी चुटिया चेक कराइए, और जो दूसरे बीजेपी आरएसएस के समर्थक बैठे हैं, जरा इनकी सर पे चुटिया देखिए, क्या ये इनके सर पे चुटिया मिलेगी? जो हिंदुत्व की पहचान है, लेकिन मैं समझता हूं ये सब नकली हिंदू है। ये डिबेटों में हिंदुत्व की बात करेंगे, लेकिन ये दलितों को हिंदू नहीं मानेंगे। सैकड़ों साल से दलित प्रताड़ित हैं, उनको मंदिरों में घुसने की जगह नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर आकर के हिंदुओं पर आकर अलापेंगे। ये दूसरे लोगों को, ओबीसी के लोगों को हिंदू नहीं मानेंगे, लेकिन ये जो है ये जो है एक हिंदू करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इनको किसी हिंदू से मतलब नहीं है। सैकड़ों हिंदू मर गए कोरोना काल में, या कितने लोगों के घर गए। ठीक है, समित पात्रा जी कह रहे हैं कि किसी हिंदू से मतलब नहीं है, और चेक किया जाए कि इन लोगों की छुट्टिया है या फिर नहीं है, वो तभी मानेंगे आपको हिंदू। अच्छा, ये इन्होंने छुट्टिया चेकिंग एजेंसी खोला हुआ है। समित पात्रा, तो काम है नहीं। एक सेकंड, दिखा रहा हूँ भैया, चुटिया दिखा रहा हूँ, अब सुन तो लीजिए, अब इनको जरा शांत तो करिए। ये आजकल देखिए, अरे इनके पास एक से शांत है, घटिया दिखा सकते, चुटिया नहीं दिखा सकते। अरे ये चुप होंगे तभी तो मैं चुटिया दिखाऊंगा। अभी इनकी राजनीति तो बंद हो गई है, तो इन्होंने चुटिया चेकिंग एजेंसी खोली हुई है। अब सुन लीजिए मेरे भाई, चुटिया वाले भाई सुन तो लीजिए। देखिए देखिए ऐसा